हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 5 का पार्ट 2, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि इनपुट स्टेटमेंट किसे कहते हैं। हमने लेक्चर 5 के पार्ट 1 में देखा कि आउटपुट स्टेटमेंट क्या होते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि इनपुट स्टेटमेंट सी में क्या होते हैं और इसके काम क्या हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रीडिफाइंड फंक्शन स्कैनएफ। स्कैनएफ एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है। ये फंक्शन सी लैंग्वेज के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी stdio.h में पहले से डिफाइंड है। ये एक रेडीमेड कोड है जो कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। स्कैनएफ का इस्तेमाल हम यूज़र से रन टाइम में डेटा को इनपुट कराने के लिए करते हैं। यानी अगर यूज़र चाहता है कि वो किसी वेरिएबल का वैल्यू रन टाइम में इंटर करे, तो उसके लिए हमें स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करना होगा। मान लीजिए हम 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें 2 वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे और दोनों वेरिएबल के वैल्यूज़ लेने होंगे। तो यूज़र अगर उन वैल्यूज़ को रन टाइम में लेना चाहता है, तो हमें स्कैनफ फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। हम इस बात को कोडिंग के माध्यम से समझेंगे। आइए अब स्कैनफ के फंक्शन को हम कोडिंग के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हमें स्कैनफ के लाइब्रेरी फाइल stdio.h को इंक्लूड करना होगा और एक मेन फंक्शन हम बनाते हैं। उससे पहले हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में समझना होगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर प्लेस होल्डर होते हैं वेरिएबल के। यानी हम अगर फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे, तो वो फॉर्मेट स्पेसिफायर उस वेरिएबल को ही प्रिंट करेगा अगर हम उस वेरिएबल का कोई वैल्यू रखते हैं। यानी अगर हम एक ए वेरिएबल को इंटीजर कहते हैं, तो उसके लिए हमें परसेंटेज डी नाम का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना होगा। तो उस परसेंटेज डी के जगह पे उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अगर हम ए वेरिएबल को फ्लोट डेटा टाइप में डिक्लेयर करेंगे, तो हमें उसके लिए उसके फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज एफ को यूज़ करना होगा। अगर हम ए वेरिएबल को कैरेक्टर डेटा टाइप की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज सी यूज़ करना होगा। अगर हम अपने वेरिएबल ए को डबल डेटा टाइप में यूज़ करना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए परसेंटेज एलएफ यूज़ करना होगा। इसी तरह अगर हम लॉन्ग डेटा टाइप को यूज़ करना चाहते हैं, तो हमें परसेंटेज एलडी स्पेसिफायर यूज़ करना होगा। तो आइए अब समझते हैं कोडिंग के माध्यम से कि हम कैसे स्कैनफ का यूज़ करेंगे और हमें स्कैनफ यूज़ करने के दौरान फॉर्मेट स्पेसिफायर के क्या इस्तेमाल हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे इंटीजर डेटा टाइप में। ए वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो हमें उसके लिए अगर हम चाहते हैं कि यूज़र रन टाइम पे ए वेरिएबल के ए के वैल्यू को इनपुट करे, तो हमें एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट अगर हम लिखते हैं और हम चाहते हैं कि स्क्रीन पर डिस्प्ले हो इंटर द नंबर। और अगर हम अब स्कैनफ का यूज़ करते हुए चाहते हैं कि यूज़र रन टाइम पे डेटा इनपुट करे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले
जिस उस वेरिएबल को हमने जिस डेटा टाइप में डिक्लेयर किया है उसके फॉर्मेट स्पेसिफायर को दे के उसके एड्रेस पे उसके वैल्यू को स्टोर करेंगे, जिसके लिए हम लगाएंगे एम्परसेंड ए। और अगर हम इसके वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट करना चाहते हैं तो हम इसके लिए वैल्यू इज लिख के, ये तो हूबहू प्रिंट होगा, अगर परसेंटेज डी लगाते हैं तो उस परसेंटेज डी के जगह पे हम जो भी वेरिएबल लिखेंगे उस वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट होगा, यानी कि हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर ही प्लेस होल्डर होता है किसी भी वेरिएबल का। और स्कैनफ फंक्शन हमसे रन टाइम पे वैल्यू मांगेगा। तो आइए देखते हैं स्कैनफ फंक्शन कैसे वैल्यू लेता है। देखिए अभी एक एरर आ रही है क्योंकि हमने अभी अपने कोड को मेन फंक्शन को क्लोज नहीं किया है, और दूसरा कि हमने गेट सी एच नाम का फंक्शन यूज़ नहीं किया है जो कि हमारे स्क्रीन को होल्ड करेगा। अगर हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें इसके लाइब्रेरी फाइल कोनियो डॉट एच को इंक्लूड करना होगा। अब आप रन कीजिए, ये देखिए एरर फ्री रन हो गया और स्क्रीन पे हमारा दिख रहा है इंटर नंबर। हम कोई नंबर इनपुट करते हैं जो ये इनपुट हमसे स्कैनर फंक्शन मांग रहा है, और अब वैल्यू इज 34। हमने जो प्रिंट अप सेकेंड वाला स्टेटमेंट लिखा है उसके कारण हमारा वैल्यू प्रिंट हो रहा है। हमने सीखा कि स्कैनएफ और फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ हम कैसे करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है या मेरे वीडियोस से आप कुछ सीख पा रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए और बना पाऊँ। धन्यवाद।